मुझे तो बहुत ही दुख हुआ। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मथुरा में भी ऐसा कुछ होगा करके। मैं तो कुछ बहुत ही अच्छा सोच कर आई यहाँ पे। मथुरा कृष्ण की नगरी है, हर जगह कृष्ण का वास है, लेकिन यहाँ पर कंस का भी बहुत वास है। कंस का ज़्यादा वास है ऐसा लग रहा है इधर। तो इसको ख़त्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पहले तो पूरा सिक्योरिटी मिलना चाहिए हमारे व्यापारी लोगों को, क्योंकि जो करोड़ों में इतना यहाँ पर बिजनेस करते हैं और उनको पूरा सिक्योरिटी मिलना चाहिए। पुलिस को बहुत चौकन्ना रहना चाहिए। और ऐसे ये गुंडे लोग मैंने सुना आजकल बहुत ज़्यादा हुआ है, पहले इतना नहीं था, नाउडेज दे हैव इंक्रीज्ड। एंड मैंने ये भी सुना कि यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग एंड विमेन, बहुत सारे धंधा ये लोग करते हैं। हाँ, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो इसका पूरा मैं चाहती हूँ कि हमारे सीएम इस पे ज़रा सा उनको मैं ध्यान में लाऊंगी और उनको बहुत जल्द जाके मिलने वाली हूँ। और मथुरा के लिए मैं जब सारा ये सब डिमांड करूँगी मैं, कि मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं यहाँ के सांसद हूँ, मैं एज ए वुमन आई फील वेरी बैड। मुझे बहुत फील हो रहा है कि बेचारे उनके माँ, उनकी वाइफ, उनके परिवार वाले कितने दुखी हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। तो आई फील वेरी सैड कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो हुआ है तो इसका कैसे भी करके इसका ख़त्म करना चाहिए। ऐसे गुंडे लोगों को रहना नहीं चाहिए, जीना नहीं चाहिए ऐसे जगह में, उनको कहीं और भेज देना चाहिए। भाई पुलिस के खुलासे को लेकर के जो है पुलिस ने जो खुलासा किया उससे संतुष्ट नहीं है, क्या कहेंगे? नहीं, पुलिस ने देखिए कितना हो सकता उन्होंने तो किया है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोलूँगी। वो SSP नए आए, वो गया और 4 बजे उनका एक 1% लेफ्ट दिया विद इन 8 o'clock अनदर पर्सन के, एंड दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इमीडिएटली, एंड देन ही टुक ओवर एवरीथिंग एंड देन ही हैज़ डन हिज बेस्ट। तो आई वॉन्ट से दैट ही हैज़ नॉट डन, आई मीन उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। 4-5 दिन के अंदर उनको पकड़ भी लिया उन लोगों को, माल को लेकर के स्थानीय परिवार वाले कह रहे हैं माल पूरा अभी गुंडे लोग पकड़े गए, तो ऐसा ऐसा माल भी मिलेगा ना। और भी क्योंकि दो उसमें से मिला नहीं है, वो लेके कहीं गया हुआ है, तो वो उसको पकड़ना है। तो वो पूरी तरह से ये पूरा कोशिश कर रहे हैं। देखिए मुआवजा सब ठीक है, हम ज़रूर दिलवाएंगे बात करके, लेकिन जो बेटा वो खोया है वो तो नहीं मिलने वाला है। उसका परिवार तो हमेशा परमानेंट रहेगा उनके दिल में। परिवार जनता पुलिस पर आरोप है मिली भगत का, क्या कहेंगे? परिवार जिनका आरोप है इस घटना को लेकर के पुलिस की मिली भगत है इसमें। देखिए वो अभी इस वक्त बहुत दुखी हैं, तो उनको लगता है कि क्यों जल्दी से काम नहीं हुई। एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगी कि मथुरा में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कोई डॉक्टर रहते नहीं है। तभी इन्होंने भी यही कहा था कि यहाँ पे जब जो मार लगी थी उनको जो हॉस्पिटल लेके गए, देर वॉज नो डॉक्टर, देर वॉज नो स्ट्रेचर, देर इज नो लाइट। तो ऐसा थोड़ी होता है, शुड बी एब्सोल्युटली परफेक्ट होना चाहिए ना। मैडम आपके CM ने कहा है कि इसमें पुलिस वाले इन्वॉल्व हैं इस केस में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, कौन इन्वॉल्व है ये भी नहीं बताया। CM ने कहाँ बताया? CM ने स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में। उन्होंने ना तो पुलिस वालों के नाम अभी डिक्लेयर किए, ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। करेंगे ना, जैसा मालूम पड़ेगा बताएंगे। आपको इतने जल्दी क्यों है बताएंगे? CM विदाउट इन्फॉर्मेशन के बोल सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जो CM भी जो भी बोलेंगे पूरा, जब उनका बराबर जानकारी होगी तभी बताएंगे, ऐसा जल्दी जल्दी ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे।